चुनौती और लीग भी विश्व भर का अनुस्वालक का आयोजन हुआ। रविवार बड़वानी जिला मुख्यालय के लैंगिक पहचान और चुनौतियों लिंग भेद विषय पर एक गोष्ठी का आयोजन हुआ, जिसमें उपस्थित जनों ने आयोजित कार्यक्रम में आज के समय के ज्वलंत शिक्षा बाल अधिकार बाल विवाह एनडीए आदि इस पहल में सहयोग करने की अपेक्षा। कार्यक्रम में श्रीमती अनुपमा प्रोग्राम डायरेक्टर चेयरमैन श्री सामाजिक कार्यकर्ता राकेश कुमार मालवीय समाज कार्यकर्ता हर्ष कोऑर्डिनेटर प्रोग्राम के साथ हर सामाजिक संस्था में सम्मिलित हुए। बड़वानी से सखी रमन के साथ संजय बाबू हमने पत्रकार साथियों के साथ एक विमर्श का आयोजन किया है, जिसे आप देख सकते हैं।
लैंगिक व्यभिचार से और लैंगिक समान सभी जानते हैं कि समाज में भेदभाव बहुत बड़े स्तर पर विद्यमान है, जिसमें खासतौर पर अक्सर हम केवल महिला और पुरुषों के बीच जेंडर भेदभाव की बात करते हैं। और आज हमने खासतौर पर इस पर चर्चा किया साथियों के साथ कि क्या हम अन्य जेंडर के लोगों को जिनको पार लेंगे कुछ लोग पार चलती हैं उनकी बात भी कर पाते हैं, कैसे उन समुदाय के बच्चों के लिए बिल्कुल वंचित हाशिए पे रखे हुए हैं और उनके साथ किस तरह की हिंसा होती है, हमारे पास उनके आंकड़े भी नहीं, तो कैसे हम उनके मुद्दों को उठा पाए और खासतौर पर जेंडर जो भेदभाव है कितनी हिंसा हो रही है। आप सब देख ही रहे होंगे, अभी भी रोज आप खबरें सुनते हैं, पत्नी को मार दिया गया शक के आधार पे, बच्ची को पढ़ने नहीं दिया गया, बाल विवाह कर दिया, ये सब कुछ क्यों है? क्योंकि हमारे समाज में जेंडर भेदभाव जो महिलाओं को एक खास तरह से पीछे और अन्य जेंडर के लोगों को तो और भी इस दौड़ से बाहर करती है। तो हमारा प्रयास था कि जिन खबरों में हम अलग अलग घटनाओं को हिंसा के मामलों को वारदातों को कवर करते हैं, क्या हम उनको कवरेज के दौरान संवेदनशील तरीके से ऐसे शब्दों का उपयोग किया जाए ताकि समाज किसी भी तरह की सोच के साथ आगे नहीं बढ़े। जैसे अक्सर हम सुनते हैं ना कि माँ अगर पैर किसी के छू रही है तो दूधो ना हो पूतो फलो कहा जाता है, या सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद देता है, ये एक तरह की विचारधारा को बढ़ाता है और बार बार सुन के हम भी जेंडर भेदभाव को बढ़ावा देते। तो हमारा प्रयास था इस चर्चा के दौरान कि हमारा जो चौथा स्तंभ खबर पालिका है जो अपने खबरों के माध्यम से वो लैंगिक भेदभाव को समझे और ऐसे शब्दों के उपयोग से परहेज रखे जिससे कि सोच को बढ़ावा मिलता है और संवेदनशील तरीके से अन्य जेंडर के लोगों को भी मुद्दों को उठाए। उन लोगों के आज आप देख सकते हैं कि आंकड़े भी हमारे पास मौजूद हैं, हमारे खुद जो सरकारी सर्वे होते हैं सरकार के द्वारा किए जाते हैं, जिसका सर्वे हो या जनसंख्या हो, उनमें भी अगर हम बढ़वानी है कितने लोग हैं जो अन्य जेंडर के मौजूद है देखना चाहें तो हमारे पास आ जाते हैं। हम चाहते हैं कि खबरों के माध्यम से जी एक तो जैसे मैंने कहा आंकड़े अभी भी सरकारी जितने भी सर्वे हैं उनके माध्यम से हमारे पास पहुंचते हैं, पर हमारे साथी जो शामिल हुए जैसे बेंगलोर में या मुंबई में छोटे छोटे संस्थागत स्तर पे सर्वे किए गए, पर बड़वानी में मैं माफी चाहती हूँ बट अभी तक इस तरह का कोई सर्वे नहीं हुआ है। जो फिलहाल के लिए इतना ही, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे, धन्यवाद।